हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डीप होल ड्रिलिंग में चिप रिमूवल स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, जो ये बेसिक हेडर रहता है G71, G90, G95, G64 वो लिख दिया है। नाउ टूल कॉल कर दिया है, जैसे कि एक 10 mm का ड्रिल हम कंसिडर कर रहे हैं ड्रिलिंग के लिए। एक कटिंग एज यहाँ पर हमने कॉल कर दिए D1 करके, कुछ RPM लिख दिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पिंडल है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और जेड एक्सिस में ड्रिल जो कटिंग करेगा। और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फीड रेट हमने दे दिए। वेल, यहाँ पर एक हमने टूल को कॉल कर दिया है जो प्री कॉलिंग पोजीशन है वहां पर, तो X0 और Z5, क्योंकि हमें सेंटर में ड्रिलिंग करना है, तो X0 और एक सेफ्टी डिस्टेंस Z5 को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ हम डीप होल ड्रिलिंग में चिप रिमूवल स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ड्रिलिंग में जाएंगे, ड्रिलिंग मोड में यहाँ पर डीप होल ड्रिलिंग करके एक मोड, एक स्ट्रेटजी अवेलेबल है। सो वहां पर हमें डीप होल ड्रिलिंग 1 में जाना है। अगर वहां पर जाएंगे तो सारे पैरामीटर्स क्या कहना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्किंग प्लान है कि जैसे ही हमने डिस्कशन किया था कि ड्रिलिंग हम जेड एक्सिस के रिगार्डिंग करेंगे, जेड माइनस में कटिंग करेगा, जेड प्लस में रिट्रेक्शन करेगा, फिर से जेड माइनस में कटिंग करेगा। सो जेड के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन कंसिडर होता है। सो हमें बेसिकली यहाँ पर G17 वर्क प्लेन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर सिलेक्ट बटन है। सो अगर यहाँ पर हमें ओडी में ड्रिलिंग करना है तो वाई जेड प्लेन आएगा, और अगर प्लेन सिलेक्ट नहीं करेंगे फिर भी यहाँ पर एक एरर शो करेगा। सो हमें बेसिकली टर्निंग के लिए बाय डिफॉल्ट जहां पर हमें ड्रिलिंग करना है तो G17 यानी कि एक्स वाई वर्क प्लेन को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। नाउ रिट्रैक्शन वर्क जो RP उस टर्म का क्या यहां पर वर्किंग है वो देखते हैं। तो जब भी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाने के बाद ड्रिल किस पोजीशन पर आकर रुकेगा वो यहाँ रिट्रैक्शन प्लेन है वो समझाता है, डिफाइन करता है। सेफ्टी क्लियरेंस है, तो सेफ्टी क्लियरेंस या फिर सेफ्टी डिस्टेंस का मतलब ये होता है जो भी आपने Z0 यहाँ पर डिफाइन किया है जहां से ड्रिलिंग होना स्टार्ट करेगा, उससे भी कुछ सेफ्टी डिस्टेंस से ड्रिलिंग को फीड रेट में कटिंग करना, अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो हम कहां से करना है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे कि 2 mm दे दिया तो 2 mm यानी कि Z+2 mm से हमारा ड्रिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ड्रिल कटिंग करना 2 mm से ही स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि उतना हमने एक सेफ्टी डिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अगर यहाँ पर Z5 डिफाइन कर देंगे तो वो 5 mm से कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। नाउ यहाँ पर सिंगल पोजीशन, तो हमें सेंटर में ही हम टर्निंग मशीन में ड्रिलिंग कर सकते हैं, तो एक सिंगल पोजीशन ही चूज करना है। फिर यहाँ पर स्ट्रेटजी है, तो इस वीडियो में हम चिप रिमूवल स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो रिमूवल में क्या होता है, ड्रिलिंग करेगा, फिर पूरा ड्रिल है वो सेफ्टी डिस्टेंस पर आके रुकेगा, फिर ड्रिलिंग करेगा, फिर सेफ्टी डिस्टेंस पर आकर रुकेगा। सो हर पैक में, हर डेप्थ ऑफ कट में ड्रिल है वो कंपोनेंट से बाहर आएगा, जिससे चिप है वो सारी इजीली इस होल के बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर सफिशियंट अमाउंट में कूलेंट भी अंदर जा पाएगा, सो जिससे जो हीट डिसिपिटेशन भी यहाँ पर इजीली हो जाएगी। सो इसके लिए हम चिप रिमूवल स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। सो यहाँ पर जो चिप बाहर निकल में जो दिक्कत होती है, तो इस चिप रिमूवल में वो इजी रहता है, इसलिए हम चिप रिमूवल यूज कर सकते हैं। नाउ टिप और सेंक, तो इसके रिगार्डिंग भी हमने अगले वीडियो में डिस्कशन किया था, लेकिन हमें टिप को ही चूज करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ड्रिल के जो कॉनिकल जो फेस रहेगा उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से ही हमने जेड लिया है। सो हम यहाँ पर टिप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सेंक सपोज चूज करेंगे तो वो एंगल के अकॉर्डिंगली जो जेड में वो ज्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट होना चाहिए वो हो जाएगी अपने आप, क्योंकि इसके एंगल के अकॉर्डिंगली अगर हमें एक 10 mm की लेंथ में एक एग्जैक्ट डायमीटर चाहिए 10 mm का, करेक्ट। सो जो Z1 में जो एक्स्ट्रा एक्सिस का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे कि अगर 2 mm आगे जाएगा तब आपको 10 mm का डायमीटर 10 mm की लेंथ में एग्जैक्ट मिल जाएगा। सो वो अपने आप ही एंगल के अकॉर्डिंगली, जब हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया है 90 डिग्री का एंगल, सो ये टिप एंगल के अकॉर्डिंगली जो जेड एक्सिस में एक्स्ट्रा मूवमेंट रिक्वायर रहेगी वो अपने आप ही कैलकुलेट करके कर देगा, जो हमने अगले वीडियो में डिस्कशन किया गया। बट
हम यहाँ पर टिप सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये जो कॉनिकल एंगल जो जनरेट होगा वो इस जेड वन की डेप्थ में इंक्लूडेड रहेगा, करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली ही हम जेड वन में एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि 2 mm अगर ज्यादा जाएगा तो एग्जैक्ट 50 mm में हमें रिक्वायर्ड डेप्थ में 10 mm का डायमीटर मिल जाएगा, तो हम मैन्युअली 2 mm यहाँ पर ही डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो जेड वन में अगर हमने -52 डायमीटर लेंथ डिफाइन की है, सो इसका मतलब ये रहेगा कि जो लास्ट हमें -52 mm तक ड्रिलिंग करना है। जेड जीरो का मीनिंग रहेगा कि हमें ड्रिलिंग स्टार्टिंग कहां से करना है, सो हमें जीरो से स्टार्ट करना है और 52 mm तक ड्रिलिंग कंटिन्यूसली करना है। फिर FD1 पैरामीटर है तो उसका क्या मीनिंग रहता है कि एक स्पेसिफिक डेप्थ तक हमें कुछ कम फीड रेट में ड्रिल को इंसर्शन करना है, मटेरियल में पेनिट्रेट कराना है, तो वो कितनी परसेंटेज ऑफ अवर मेन फीड रेट में कराना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सपोज 80%, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट में फेस पर कोई भी पहले मार्क नहीं रहेगा, कोई भी अगर हमने कोटेशन नहीं लगाया तो इन जब ड्रिल इस मेटल में पेनेट्रेट करेगा तो वो ड्रिल है वो आउट जाने के चांसेस रहते हैं। अगर हम HSS ड्रिल यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड स्टील, तो क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो टफन रहता है, सो अपने आप ही थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ फीड रेट कम रखना चाहते हैं तो वो हम कम रख सकते हैं। एंड देन जो फर्स्ट पैक लगाना चाहते हैं तो वो कितने mm तक लगाना चाहते हैं, सो अगर एब्सोल्यूट में अगर लगाएंगे तो एग्जैक्ट Z-10 तक वो 50% की फीड रेट में फर्स्ट प्लन लगाएगा। अगर हम इंक्रीमेंटल सिलेक्ट करते हैं तो अगर यहाँ पर हम 10 mm देंगे तो वो एक्चुअली में Z+2 से Z-8 तक जहां पर वो 10 mm का पोजिशन रहता है तो वहां तक वो इतनी 50% की फीड रेट में कटिंग करता हुआ जाएगा। अगर हम यहाँ पर Z 12 mm डिफाइन कर देंगे इंक्रीमेंटल मोड में तो वो Z-10 तक कटिंग करता हुआ जाएगा 50% की फीड रेट में। नाउ DF का मीनिंग रहता है कि जो अगले जो हमने 52 mm तक डिफॉल्ट ड्रिलिंग करना है तो बाकी के जो मटेरियल जो बचा हुआ है, जो 42 mm का मटेरियल बचा हुआ है वो कैसे कटिंग करना है, सो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपल टर्म है कि आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट दी गई है सपोज 50% है, उसकी जगह पर हमें 5 mm के जो सारे पैक है वो 5-5 mm के लगने चाहिए। सो यहाँ पर जो बाकी के रिमेनिंग मटेरियल है वो 5-5 mm के पैक में रिमूव करता जाएगा। दूसरी टर्म सिलेक्ट बटन पर प्रेस करेंगे तो एक परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया, यानी कि आपने जो फर्स्ट प्लंज डिफाइन किया है उसके कुछ परसेंटेज में अगर आपको बाकी के प्लंज लगाने हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 10 mm डिफाइन करेंगे तो वो क्या करेगा, सो पहला प्लंज है वो -10 mm सपोज हम डिफाइन करते हैं सिलेक्ट में -10 mm, करेक्ट। तो फर्स्ट प्लंज हमने जैसे ही बात की कि वो -10 mm तक जाएगा, सो अब दूसरा प्लंज है वो जो 10 mm का 50% यानी 5 mm का दूसरा प्लंज लगेगा, तो दूसरा प्लंज Z-15 तक लगेगा। सो तीसरा प्लंज है वो 5 के भी 50% यानी 2.5 mm का लगेगा, फिर उसके अगले वाला 1.25 का, इस तरह से वो 50% कम होता हुआ जाएगा। सो एट लास्ट अगर देखा जाए तो वो काफी कम अमाउंट के पैकिंग डेप्थ में जाएगा। सो वो तो एक्चुअली वो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो लास्ट में 0.05 mm का पैक लगाएगा तो कुछ वो कटिंग करेगा ही नहीं, तो काफी नंबर ऑफ पैक हो जाए। सो यहाँ पर एक V1 करके एक पैरामीटर अवेलेबल है, यानी कि मिनिमम डेप्थ ऑफ कट। अगर वो 2.5 mm है फिर 1.25 है तो हम यहाँ पर अगर 2 mm डिफाइन कर देंगे तो एटलीस्ट वो 2 mm के रिमेनिंग पैक तो लगाएगा, उससे कम अमाउंट का पैक कभी नहीं लगाएगा, राइट। फिर 2.5 आएगा, फिर नेक्स्ट अगर 50% करे तो वो 1.25 रहेगा, लेकिन वो उसके बाद 2 mm करके ही मटेरियल को रिमूव करता हुआ जाए। सो ये V1 का पैरामीटर का फंक्शन है। अगर यहाँ पर हम DF में अगर इंक्रीमेंटल 5 mm दे ले तो वो इजीली हर पैक है वो 5-5 mm का लगाएगा, अगर 2 mm डिफाइन कर देंगे तो 2-2 mm का लगाएगा। नाउ सो ये इसका बेनिफिट है, तो उसको भी हम सिमुलेशन करके देखते हैं।
नाउ लीड डिस्टेंस का क्या मीनिंग रहता है कि कटिंग करता हुआ z माइनस 10 तक गया, फिर वो z प्लस 2 तक रैपिड में आएगा, फिर से वो यहां से वो फीड में कटिंग करता हुआ नहीं जाएगा, वो वहां से तो रैपिडली जाएगा, लेकिन अगर z माइनस 10 तक जाएगा तो वो ड्रिल है वो इस डिग्री पर फाउल हो जाएगा। सो कुछ डिस्टेंस बाकी रख कर हमें फीड में कटिंग करना स्टार्ट करना है, तो वो अगर मैन्युअली डिफाइन करेंगे तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 mm। सो z माइनस 10 तक उसने कटिंग किया है तो वो रैपिडली z माइनस 9 तक जाएगा, करेक्ट, फिर वहां से वो फीड में कटिंग करना चालू कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो V3 अमाउंट दिया गया है, सो यहाँ से वो उसने कटिंग किया, फिर बाहर निकला, फिर रैपिड में यहां तक गया, सो इतने डिस्टेंस का वो गैप रख देगा। अगर ऑटोमेटिक कर देंगे तो वहां पैरामीटर में डिफाइन किया गया 1.6 mm, तो वो 1.6 mm का क्लियरेंस रखेगा, और अगर मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 mm, 2 mm, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है। फिर DTB का मतलब क्या रहता है, सो हर एक पैक पर अगर हमें यहाँ पर ड्रिल को ड्वेल टाइम देना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कराना है, तो वो सेकंड हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2 सेकंड। और उसका अलग अल्टरनेट ऑप्शन भी है रिवॉल्यूशन में, कि अगर स्पिंडल है वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, कंडक्ट करेगा, तब तक एक्सिस को वहां पर होल्ड करा के रखना है, तो वो भी अल्टरनेट ऑप्शन है। फिर DT है यानी कि लास्ट जेड माइनस 52 mm पर अगर हमें एक्सिस को होल्ड कराना है तो वो हम करा सकते हैं, वहां पर भी रिवॉल्यूशन एज वेल एज सेकेंड में हम इनपुट दे सकते हैं। फिर DTS है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जब वो कटिंग करेगा फिर से रिट्रेक करेगा, कटिंग करेगा फिर से रिट्रेक करेगा, सो जो सेफ्टी डिस्टेंस पर वो रुका रहेगा, तो उस समय पे कुछ अगर हम ड्वेल टाइम देना चाहते हैं कि जिससे कूलेंट है वो थोड़े टाइम के लिए अंदर जाएगा, तो वो सफिशियंट टाइम इंटरवल हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वो सेकेंड दे सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हम साइकिल को हमने डिफाइन कर दिया। नाउ हम उसका सिमुलेशन देखते हैं कि एक्चुअल में वो किस तरह से कटिंग करेगा। उसका सिमुलेशन देखते हैं कि एक्चुअल में वो किस तरह से ये टूल पाथ जनरेट करेगा, सो वो हमारे लिए इजी रहे। नाउ हाफ कट व्यू में देखते हैं, क्योंकि जो इंटरनल जब हम कटिंग करते हैं तो वो साइड व्यू में नहीं दिखेगा। देखते हैं, हम यहाँ पर जेड प्लस टू ऊपर आ गया है, यहाँ से वो फीड रेट में कटिंग करेगा, लेकिन हमने बाहर 0.1 की फीड रेट दी थी, तो वो यहाँ पर उसकी 50% यानी कि 0.05 की फीड रेट में जेड माइनस 10 तक जाएगा, फिर वो पूरा ड्रिल है वो बाहर निकलेगा। कहाँ तक निकलेगा, तो सेफ्टी डिस्टेंस तक, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस है वो हमने 2 mm दिया है, सो जेड जीरो जो वैल्यू है यानी कि वो तो जीरो है, जेड जीरो है वो जीरो प्लस टू यानी कि जेड प्लस टू उसका सेफ्टी डिस्टेंस एक्चुअल में बनेगा। नाउ यहां से वो रैपिड में जाएगा, लेकिन वो जेड माइनस 9 तक जाएगा, क्योंकि हमने जो V3 डिस्टेंस है वो हमने 1 mm डिफाइन किया, फिर वो वहां से उसके 50% यानी हमने 10 mm का जो डी है, जो फर्स्ट डेप्थ है वो 10 mm का दिया है, सो उसका 50% 5 mm होगा, सो नेक्स्ट प्लंजिंग डेप्थ है वो जेड माइनस 15 है, फिर से वो जेड प्लस 2 पर आएगा, जेड माइनस 14 तक वो रैपिड में जाएगा, फिर अब वो 2.5 mm यानी कि जो अगले वाला जो प्लंज था वो 5 mm का था, उसका 50% क्या रहेगा 2.5, सो अभी 17.5 का एक प्लंज लगेगा, फिर से बाहर निकलेगा जेड प्लस 2 तक, जेड प्लस 2 तक निकलने के बाद वो जेड माइनस 16.5 तक गया, क्योंकि 1 mm का यहां पर उसने क्लियरेंस जनरेट किया। नाउ 2.5 का 50% क्या होगा 1.25, बट हमने वहां पर एक पैरामीटर डिफाइन किया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ डेप्थ ऑफ कट है वो एटलीस्ट 2 mm का होना चाहिए, सो अभी वो 19.5, फिर वो 21.5, कुछ इस तरह से पैक जनरेट करते हुए आगे बढ़े और पूरा हमारा ड्रिलिंग है वो कंप्लीट करते देगा। सो इस तरह से वो कंप्लीट कर देगा, और RP जो हमने रिट्रेक्शन प्लान डिफाइन किया हुआ है, सो जेड सपोज 100 डिफाइन किया है तो वो कटिंग करके 100 पर आके रुकेगा, फिर होम पोजिशन पर जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ अल्टरनेट ऑप्शन भी हमने देखा हुआ है यहाँ पर, तो जो ये अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ DF के लिए है वो भी देख लेते हैं। सपोज 2-2 5-5 mm हमने डिफाइन किया है, तो हर एक पैक है
वो 5-5 mm का लगेगा, पहले z-10 तक जाएगा, फिर z-15, फिर z-20, तो इस तरह से वो हमारा जो ड्रिलिंग है 52 mm तक कंप्लीट करके देगा। ना उसका भी टूल पाथ एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं। सो z+2 पर आ गया, z-10 तक उसने फर्स्ट प्लंज लगाया है, फिर से वो रिट्रैक्ट करेगा z+2 पर, फिर अब जो फीड रेट है वो 0.1 की जाएगी, 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन, z-15, राइट। अब रिट्रैक्ट करेगा z+2 पे, फिर z-14, फिर z-20, कुछ इस तरह से। अब सारे जो प्लंज है वो 5-5 mm के हो गए, क्योंकि हमने DF में 5 mm डिफाइन किया है, करेक्ट। तो इस तरह से हम ये डिफॉल्ट ड्रिलिंग साइकिल में चिप रिमोल स्ट्रेटेजी का यूज करके प्रोग्राम को बना सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।